आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आज हम इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमने इससे पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उनमें हम ये बता रखा है। तो अभी हम यहाँ पर हम डायरेक्ट उसके फार्मूले को लिखेंगे कि डी मीन्स डिमांड और ये ईटा कहलाता है, माइनस पी अपॉन एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी पी। माइनस साइन ये बताता है कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो नेगेटिव साइन के लिए बताता है कि देयर इज दिस इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस फॉर द मोस्ट ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी is given by x equal to 200 minus 6p square. Find price elasticity of demand. When p equal to 5, ये आपको पहला पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिर सेकेंड पार्ट हम लिखते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने पहले लिया है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज गिवन बाय द x इक्वल टू 200 माइनस, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 200 x इक्वल टू, तो ये है आपका क्या, डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 200 माइनस 6p स्क्वायर। फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इक्वल टू x। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम निकाले, और व्हेन पी इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस इलास्टिसिटी आपको रखनी है वो पी के टर्म में रखनी है। इस लैंग्वेज से हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपके फार्मूले में देखिए क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन डी पी, तो हम यहाँ लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी पी। तो डी एक्स अपॉन डी पी करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 12p, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू को हम फंक्शन में रख देंगे, तो ये आएगा एन डी इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा माइनस 12p। लेकिन हमने आपको बताया पी 5 दे रखा है, तो आपको पूरी क्वेश्चन में पी ही दिखना चाहिए, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर, ये 12p हो गया अपॉन में x, x की जगह लिख दोगे 200 माइनस 6p स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इक्वल टू 5, तो p इक्वल टू 5 का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर अब p इक्वल टू 5 रखें और हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल पाएँ। तो 5 × 5 200 माइनस 6 × 25, यह आएगा 2 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 150 200, तो यह आ जाएगा 50 और कुल मिला कितना जाएगा 6। तो इसका कितना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया, वो आया 6। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, और पी चूँकि यहाँ पर दे रखा, पी चूँकि क्वेश्चन में पी के टर्म में आंसर पूछा गया था, इसलिए हमें लिखना पड़ा, ठीक है। तो आइए और
दूसरे क्वेश्चंस को देखें। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू लिखा है, फॉर द डिमांड कर्व क्या है, ए क्यू प्लस बी कैपिटल में पी माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। डिटरमिन द पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो, ज़ीरो। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन में जो स्पेशल बात है उस पर हम लोग निगाह डालते हैं, क्या है स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की। देखिए इसमें आपको डिमांड कर्व दे रखा है, ए क्यू, पी मीन्स प्राइस, क्यू मीन्स क्वांटिटी, ए बी सी के आर कॉन्स्टेंट, डिटरमिन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको फार्मूला पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता क्या है, तो हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये होता है डी एक्स अपॉन डी पी, ये होता है। तो इसके लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर अब एक खास बात देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पी तो ठीक है लेकिन एक्स की जगह क्यू दिया हुआ है, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे पी और नीचे लिखेंगे क्यू, फिर लिखेंगे क्यू और नीचे आ जाएगा डी पी, ये हमने लिख दिया, इससे टैली करता है। चलिए ये पी पी सेम है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें और यहाँ वैल्यू रख दें, यही हमें करना होगा। तो आइए, या ये भी कर सकते हैं हम इस फंक्शन को पी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको डिटरमिन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए वो किस टर्म में लेना है, ये आपको ध्यान रखना। तो सिंपल सा हम करते हैं, डी क्यू अपॉन डी पी करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये लिखा है ए क्यू प्लस बी पी माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो और हमने इसको पी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलिए तो पी के रिस्पेक्ट करोगे तो ए डी क्यू अपॉन डी पी रहेगा और ये पी के रिस्पेक्ट किया तो केवल पी आएगा और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, के मीन्स ज़ीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो डी क्यू अपॉन डी पी की जो वैल्यू आई माइनस पी अपॉन ए आ गई। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो देखिए क्या निकलेगा, माइनस पी बाई क्यू और ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस वाइनस कैंसिल हो गया, पी बी अपॉन ए क्यू, ये दो चीज़ें आई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, ठीक है। अब वैसे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ही यही है, लेकिन अब इनमें एक चीज़ इन्होंने और पूछी है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो ये तो नहीं पता चला, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के केस में आप ये जानते हैं, रेवेन्यू के केस में आप ये चीज़ जानते हैं कि रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम यहाँ पर रेवेन्यू को निकालें और हम ये जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, तो पी की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए बी पी इज इक्वल टू के माइनस ए क्यू है, तो पी इज इक्वल टू के माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई बी, ये निकलेगा आपका पी की वैल्यू। तो यहाँ हम रख देंगे तो के माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी और ये हो गया क्यू।
इंटू करेंगे तो के क्यू माइनस ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ये आपको निकला आर, दैट इज रेवेन्यू। अब इन्होंने कहा हमें तो मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए ना, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफ्रेंशिएट होगा तो पहला तो के ही आ जाएगा, दूसरा टू ए क्यू डिवाइडेड बाई पी, ये आ गया आपका डी आर पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये जीरो हो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, तो हमें जीरो कर दिया, तो यहाँ इससे क्या मिलेगा आपको सॉल्व करके, तो इससे सॉल्व होके आएगा, इससे सॉल्व होके बच्चों आएगा, या इससे सॉल्व होके आएगा के माइनस टू ए क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के अपॉन टू ए, ये आया आपका क्यू इज इक्वल टू के अपॉन टू ए। बहुत सिंपल सी चीज़ निकल गया कि इस क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा। तो अब आपको ये पता चल गया क्यू इतना होना चाहिए, अब आपको इसी पर निकालना है क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए देखिए, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हमें प्राइस एक दे रखा था, एक पॉइंट, पॉइंट में तो देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब Q की वैल्यू हम यहाँ पर उठा कर रख दें, Q की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक्चुअली यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी है, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिन रेवेन्यू जीरो। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, क्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें, तो अब आप देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए पी रखा, पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी यहाँ पर, पी इज इक्वल टू के, तो क्योंकि पूरे के पूरे को हम चाहते हैं कि क्यू के टर्म में रहे, अपॉन में भी ये हो गया, और अपॉन में क्या लिखेंगे ए, और ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, ये हमने यहाँ क्यू लिख दिया, ये बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आया ए, ए क्यू अपॉन ए क्यू। अब आप देखिए Q की वैल्यू कितनी है, के ए अपॉन टू ए, तो जहाँ जहाँ Q होगा वहाँ वहाँ हम K अपॉन टू ए रखते जाएंगे, वहाँ वहाँ हम K अपॉन टू ए रखते जाएंगे। अब इसको भी सॉल्व करना होगा बच्चों, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, K माइनस के अपॉन टू और K अपॉन टू, इसको सॉल्व के K बाय टू आएगा और नीचे भी K बाय टू आएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया वन। तो उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो कितनी होगी, वन। उस पे डिमांड हैज ए यूनिट इलास्टिसिटी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे डिमांड हैज अ यूनिट इलास्टिसिटी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसको कई बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।